आज मैं आपको इस वीडियो में E20 OBD2 अपडेट के साथ न्यूली रीलॉन्च होंडा लीबो 110 डिस्क ब्रेक ड्यूअल टोन कलर के बारे में, टॉप मॉडल के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, माइलेज, टॉप स्पीड और इसकी जो ऑन रोड है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर E20 का स्टिकर लगा हुआ है और ये बाइक कंपनी ने E20 OBD2 में अपडेट करके दोबारा से इसको लॉन्च कर दिया है। जो टैंक है वो आपको मेटल बॉडी का मिलता है 9 लीटर का और ये है इसका टंकी वाला ढक्कन जो कि नॉर्मल सा ही है। बाकी काउल के ऊपर में आपको होंडा का क्रोम में 3D में लोगो आपको मिल जाएगा। जो टैंक के जो काउल है वो आपको प्लास्टिक के मिलते हैं जिसमें ब्लू कलर आपको मिलेगा। जो टैंक है वो आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। यहाँ पर सिल्वर, ब्लू और व्हाइट कलर के ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे। जो पैनल है इसके ऊपर में थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर लीबो की ब्रांडिंग है और ये जो सीट कावल आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला हिस्सा आपको ब्लू कलर का मिलेगा। यहाँ भी ब्लू कलर के ग्राफिक्स हैं और नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिया गया है। अब इसके सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सीट जो है वो काफी लंबी चौड़ी आपको मिल जाएगी और सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो भी काफी सॉफ्ट है। 790 mm की सीट हाइट आपको मिलेगी। बाकी इसके मीटर कंसोल की तरफ चलते हैं तो भाई इस बाइक में आपको मिल जाता है सेमी डिजिटल मीटर कंसोल का सेटअप। अब यहाँ पर जो स्पीडोमीटर दिया गया है 140 की स्पीड यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन इसकी जो टॉप स्पीड है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास चली जाती है। यहाँ पर इकोनॉमी जोन आपको मिलता है। अगर आप 30 से 50 के बीच में बाइक को चलाते हैं सिंगल पर्सन तो ये बाइक आपको 65 या 70 के आसपास माइलेज दे देती है। यहाँ पर आपको गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, हेडलाइट, टर्न इंडिकेटर, चेक इंजन, ऊपर में ट्रिप मीटर, ओडोमीटर और बाकी यहाँ पर घड़ी आपको मिल जाएगी, फ्यूल गेज आपको मिल जाएगा और इसमें आपको सर्विस ड्यू रिमाइंडर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी और कोई चीज़ें यहाँ पर कंपनी ने एक्स्ट्रा जो है वो ऐड नहीं करी हैं और यहाँ पर जो है वो बटन आपको मिल जाते हैं जिससे आप इसके ट्रिप और मीटर कंसोल को एडजस्टमेंट कर सकें। हैंडल बार यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपराइट मिल जाती है और जो मिरर है वो आपको वही ओल्ड वाले ही मिलेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं। यहाँ पर आपको पासिंग का बटन नहीं मिलेगा। अपर डुपर इंडिकेटर और हॉर्न जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है और जो क्लच है वो भी काफ़ी ठीक ठाक है और यहाँ पर आपको बार एंड देखने को नहीं मिलेंगे। जो ग्रिप है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। सबसे पहले साउंड को सुना है भाई, देखा जाए तो जो इंजन है ना वो OBD2 अपडेट के बाद थोड़ा सा जो है वो रिफाइनमेंट इसमें आ चुकी है। अभी हम बाइक के फ्रंट की तरफ चलते हैं तो फ्रंट में जो है वो कोई भी चेंजेस यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। होंडा की ब्रांडिंग है स्टिकर के साथ और ये जो वाइजर है ना ये पूरा का पूरा 2-3 पीस में डिवाइड है। ये हिस्सा अलग है, ये वाला अलग है और ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है ये अलग है। और जो हेडलाइट का जो पूरा का पूरा जो सेटअप है वो आपको हेलोजन में ही देखने को मिलेगा और देखने में ये जो फेयरिंग वाला जो पूरा हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील होता है। हेलोजन वाले इंडिकेटर हैं जो कि वाटर कलर में है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाएंगे। जो आगे वाला मडगार्ड है इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है और 240 mm की डिस्क आपको मिलेगी नेसन के कैलिपर। 80/100/18 का ट्यूबलेस टायर है, 18 इंच का आगे में अलॉय व्हील दिया गया। पीछे की तरफ चलते हैं तो हाइड्रोलिक टाइप का यहाँ पर आपको रेड कलर की स्प्रिंग के साथ एडजस्टेबल सस्पेंशन है और जो पीछे वाला टायर है ये भी आपको सेम प्रोफाइल का मिलेगा 80/100/18 का। 130 mm की ड्रम ब्रेक आपको मिल जाती है। अगर ये वाला जो टायर है ना वो कम से कम 100 mm का होता तो काफ़ी अच्छा लगता। और आप देख सकते हैं पीछे में जो वाला है वो भी आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है और ये है भाई इसका ग्रैब हैंडल सिंगल पीस वाला ग्लॉसी ब्लैक कलर का, होंडा की ब्रांडिंग है। और जो टेल लैम्प है वो आपको वही पुरानी वाली मिलेगी हेलोजन में। अभी हम बाइक के इंजन की तरफ चलते हैं तो इसमें किक और सेल्फ दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाइक के जो फुटपैक्स हैं वो आपको एकदम बाइक के सेंटर में आपको मिलते हैं तो जिससे जो राइडिंग पोजीशन है वो आपको थोड़ा सा रिलैक्स वाला मिलता है। मतलब बाइक को चलाते समय आपको अपने शरीर को बहुत ज़्यादा झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो ब्रेक पैड है वो नॉर्मल साइज दिया गया। ये है इसका कैटालिटिक कन्वर्टर, यहाँ पर स्पार्क प्लग और ऑक्सीजन सेंसर। 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिल जाती है। 114 kg का इसका कर्व वेट है। अब इंजन और पावर की बात करें तो 109.51 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक दिया है OBD2 अपडेट के साथ जो आपको 8.79 PS की पावर देता है 7500 RPM पर। और ये इंजन मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 9.30
न्यूटन मीटर का 5500 आरपीएम पर। बाकी बाइक के साइड में आ जाते हैं तो भाई देखने में ये जो बाइक है ना वो सीडी 110 से काफी ज्यादा बेटर लगती है, क्योंकि इसकी जो काउल वगैरह है, जो आगे वाली जो फेयरिंग का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं जो है वो स्पोर्टी लुक में इसमें प्रोवाइड किया गया है। यहाँ भी आपको लीवो की स्टिकर मिल जाएगा, होंडा की ब्रांडिंग है 3D में। और ये जो साड़ी गार्ड आप देख रहे हैं लेडी प्लेन के लिए, ये भी आपको डुअल टोन और मटेरियल के साथ आपको मिलेगा। और ये है इसका प्लास्टिक बॉडी का चेनसेट कवर, एडजस्टेबल फुटपैक्स आपको मिल जाएंगे। और राइडर वाले जो फुटपैक्स हैं वो आपको फिक्स मिलेंगे, इसमें कोई भी फोल्डेबल वाला ऑप्शन नहीं है। चार गियर इस बाइक में आपको मिल जाएंगे और साइड स्टैंड इंजन गुडअप सेंसर है। और दूसरा जो इंजन है वो आपको थोड़ा सा रिफाइन आपको मिल जाता है। तो प्राइस की बात करें तो होंडा लीबो ड्रम ब्रेक में ओडी टू अपडेट के साथ इस बाइक की एक्सोरूम कीमत है 77,900 रुपये, और ऑन रोड कीमत आ जाती है ड्रम ब्रेक में इस बाइक की 93,912 रुपये। अगर आप इसका यही वाला सेम मॉडल डिस्क वाला खरीदते हैं E20 ओडी टू अपडेट के साथ, तो डिस्क ब्रेक में इस बाइक की एक्सोरूम कीमत है 81,900 रुपये, और इसकी ऑन रोड कीमत है 98,318 रुपये। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है क्लाउड 9 होंडा टू व्हीलर शोरूम मध्यम ग्राम जैसे रोड कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और DM ऑटो कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।